इतनी कमाल की टीम है कि आपको वो काम करने वाला एहसास ही नहीं होता. यू एक्चुअली गो ऑन द सेट रियली लुकिंग फॉरवर्ड के आज का दिन बहुत अच्छा और इंजॉयबल होगा बिकॉज ऑफ द पीपल दैट यू आर वर्किंग विद. तो मेरे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा है ये पूरा सफर. स्पेशली पहली बात तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे ये शो के लिए अप्रोच किया गया था बिकॉज दीज आर अकबर बीरबल स्टोरीज जो कि एवरीबडी नोज अबाउट अकबर बीरबल की जो कहानियां बचपन से सुनते आए हैं. मेरे बेटे हैं अब वो आईपैड और अपने पीएसपी से बाहर नहीं निकलते. मुझे भी कभी कभी लगता था कि ये कहानियां उन तक पहुंचेंगी कैसे, वो नहीं पढ़ते हैं. आज की जनरेशन में पढ़ने की आदत भी थोड़ी सी कम है. तो ये जब शो मुझे मिला करने के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्रॉबेबली इट्स अ कॉमेडी, इट्स नॉट वेरी सीरियस ऑल्सो. हम विजडम की बातें करते हैं, बीरबल हु इज द वाइज मैन आपको एक अच्छी वाइज सलाह देता है. तो जो एंड है एपिसोड का वो बहुत अच्छे मैसेज के साथ आता है लेकिन उसके साथ साथ हम कॉमेडी करते हैं तो ये चीज बच्चों तक बड़े आसानी से पहुंच रही है. किड्स वॉच इट एंड किड्स लाफ एंड एट द सेम टाइम दे लर्न समथिंग. तो ये मुझे सोच कर ही बड़ा अच्छा लगा कि दिस इज अ गुड वे यार. एटलीस्ट माय चिल्ड्रन, अब मेरे बच्चों को पता है अकबर बीरबल क्या थे, कौन थे, कहानियां क्या हैं. ऑब्वियसली ओरिजिनल जो कहानियां हैं वो लिमिटेड हैं, उसके बाद हमने अपनी खुद की कहानियां बनाना हमें पड़ा. लेकिन जो हमने कहानियां बनाई भी हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ एपिसोड को एंड करती हैं. तो मेरे ख्याल से कि जो एंटायर अप्रोच है बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है और चैनल के सपोर्ट के साथ, बिग मैजिक के साथ हमने ये शो 500 एपिसोड, 2 साल बहुत होते हैं, बहुत लंबा सफर है ये, यहाँ तक पहुँचे हैं. और अब तक भी जो लोग जुड़े थे वो आज तक जुड़े हुए हैं. हम भी अपने सोशल मीडिया पे जितना हमें पता चलता है, जितना हमें रिस्पॉन्स आता है, जो लोग शुरुआत से देख रहे हैं, अगर हम एक कैरेक्टर का एक डायलॉग या एक तकिया कलाम भी इधर से उधर जरा सा बदलते हैं तुरंत लोग रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं. दैट्स द काइंड ऑफ फॉलोइंग दे हैव, दैट्स द काइंड ऑफ लाइकिंग दे हैव. दे डोंट लाइक थिंग्स टू बी चेंज्ड, दे डोंट लाइक कैरेक्टर्स टू बी चेंज्ड, दे डोंट लाइक अ लाइन और अ तकिया कलाम टू बी चेंज्ड. तो बहुत प्यार मिला है इस शो को और अब तक मिलता आ रहा है. ये सबसे बड़ा एसेट हो सकता है एक एक्टर के लिए. तो या आई मीन आई थिंक इट्स वंडरफुल. विशाल, आपसे पूछना चाहूंगा, विशाल बीरबल का कैरेक्टर कर रहे हैं जब से शुरू हुआ है शो और हिस्टोरिकल कॉमेडी इस जॉनर का शायद पहला शो है, इस तरह के शो बनते कम है. तो अगर उस लिहाज से देखें कॉमेडी साथ में एक इंफॉर्मेशन भी, बहुत सारी चीजों की, बीरबल इज रिलेटेड टू ऑल दीस थिंग्स, तो उसको कैसे आप देखते हैं, इस तरह के शो के बारे में क्या कहें? इस तरह के शो कम बनते नहीं, हिस्टोरिकल कॉमेडी टेलीविजन पर सिर्फ एक ही है. बहुत फनी बात है, जब ये शो शुरू हुआ था तब बिग मैजिक ने मेरे साथ दो मजाक किया था. दैट इज द टाइम आई रियलाइज दैट दे वांटेड टू डू अ कॉमेडी. पहला ये कि उन्होंने कहा मुझसे कि हिस्ट्री बनाना है और कॉमिकल, दैट बाय इटसेल्फ इज अ मजाक. और दूसरी बात ये थी कि दे चोज मी एज बीरबल. सो आई वॉज थिंकिंग कि मुंबई का लड़का जो सुबह ऐसा उठ के ऐसा बाहर खिड़की से देख के उसको पता नहीं चलता क्या करने का और ऐसा अंगड़ाई लेके उठता है, हाउ विल ही प्ले बीरबल, हाउ विल ही टॉक इन हिंदी. तो दैट वॉज अ चैलेंज कि बीरबल है तो हिंदी में बात करना होगा और मैं टिपिकल मुंबई का मुन्ना भाई MBBS काइंड ऑफ हिंदी बोलने वाला लड़का. बट एक लाइन है जो अभी अभी मैंने एक एपिसोड में भी कहा, जो आज भी मैं इनसे डिस्कस कर रहा था, जो है कि आप हर वो चीज कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं और आप हर वो चीज सोच सकते हैं जो आज तक आपने सोचा नहीं. इसलिए आज तक आपने जो सोचा नहीं वो सोचिए और दुनिया को कर दिखाइए. तो दैट हैज एग्जैक्टली बीन द जर्नी ऑफ बीरबल. जो मैंने सोचा नहीं था वो मैंने किया. मेरे सारे एक्टर्स बहुत, किको एंड आई आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स एंड बहुत हेल्प हुआ मुझे कि ही वॉज प्लेइंग अकबर. All the new actors from Pawan to Sumit to Yash to, I will not name Tansen because he is again a veteran. हम लोग उसके पाव छूते हैं रोज आके सेट पे. And Baldev ji, Sunil Chauhan ji, Pragati ji who's just joined us to Vasu to Anarkali, they have all been wonderful co-actors. बहुत ही अच्छी जर्नी रही है. एक हिस्टोरिकल कॉमेडी करना वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि यू हैव लिमिटेशंस ऑफ लैंग्वेज, यू हैव लिमिटेशंस ऑफ दैट एरा. हम बहुत सारी चीजें करने का सोचते हैं पर नहीं कर पाते क्योंकि उस एरा में वो शायद चीजें नहीं थी. और मेरे साथ तो बहुत ही फनी चीजें होती हैं क्योंकि हम अकबर बीरबल गांव-गांव में बहुत ज्यादा देखी जाती है. जैसे यूपी के किसी गांव में बिग मैजिक बहुत पॉपुलर है. मैं लखनऊ गया था, हम गए थे तो वी वर शॉक्ड एट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी गॉट फ्रॉम पीपल. तो अब क्योंकि इंटरनेट और फेसबुक इतना पॉपुलर है, इंटरनेट पे आप, तो मुझे फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भैया
हम हमारा भाई जो है वो हमारे बापूजी का 2 बीघा जमीन बेचना चाहता है, पर क्या है कि वो बहुत पुराना जमीन है, हम क्या करें? मैं बोलता हूँ मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता होता. सो द पॉइंट बीइंग दैट दे एक्चुअली बिलीव दैट आई एम बीरबल, दे एक्चुअली बिलीव दैट आई विल एडवाइस देम राइट. वो एक्चुअली बिलीव करते हैं कि अगर बीरबल कुछ बोलेगा तो सही बोलेगा. तो वो दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव हैड फॉर 3 इयर्स विच आई हैव टू कैरी ऑन. And I cannot be go wrong. Birbal cannot go wrong. तो एक ऐसा pressure है जो मुझ पे है कि you cannot go wrong when you're doing Birbal, because people think that you're Birbal, people watch you as Birbal, and they believe in whatever you say. So that's been the impact of Birbal in my life. Okay, अब महारानी साहिबा से मैं गुजारिश करूंगा. प्रगति जी, आप शो से जुड़े हैं, आपका ये एक्सपीरियंस है, सफर कैसा रहा अकबर बीरबल का? मैं शो से बहुत कम वक्त पहले जुड़ी हूँ, एक ही महीना हुआ है. मुझसे पहले योगिता टेल्लास निभा रही थी, जो कि कॉमेडी की अगर बात की जाए तो शायद उनका हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है. शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी कॉमिक एक्ट्रेस वी हैव एंड अ वेरी सीनियर एक्टर ऑल्सो. इसलिए किसी ऐसे किरदार अदाकार के किरदार में उतरना जो अपने काम के लिए बहुत जाने जाते हैं, जिन्होंने इस किरदार को बनाया, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. इंटरपर्सनल केमिस्ट्री जो कैरेक्टर्स की थी वो समझने में थोड़ा वक्त लगा मुझे, लेकिन ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे करके उन जैसा तो नहीं लेकिन उसके आसपास तक ही पहुँच ही जाएंगे. एंड ऑफकोर्स जब मैं ये किरदार दिखाऊंगी तो कुछ थोड़ा फर्क होगा, फीडबैक से पता चलेगा. एज कीकू सेड कि सोशल मीडिया पे फीडबैक्स आते हैं, और क्योंकि लोग किरदारों से इतना प्यार करते हैं, वो अदाकार का चेहरा बदलता हुआ देखना अक्सर उन्हें अच्छा नहीं लगता. तो मुझे ऐसा भी फीडबैक मिला है, बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम. बीइंग एन एक्टर वी हैव टू टेक इट इन आवर स्ट्राइड. उम्मीद ये है कि इन दोनों के साथ अकबर बीरबल एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट, इंटरपर्सनल केमिस्ट्री ऑफ कैरेक्टर्स इज ब्यूटीफुल. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही है या कि ये किरदार में है. तो उस धागे के साथ बंधना, आई होप मैं जितना अच्छा काम इन लोगों ने किया है उतना ही अच्छा काम या उसके आसपास मैं भी कर पाऊँ, इसी उम्मीद के साथ मैं शो पे हूँ. 500 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, उम्मीद है कि 1000 एपिसोड पे आप सब लगा करते हैं. शुक्रिया रानी साहिबा. अब मैं जानना चाहूँगा बादशाह के लगते जिगर सलीम से, शहजादे सलीम, आप और वासु आप भी बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन पूरे 500 एपिसोड्स का. बताओ बताओ. मैं आज बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मैं अकबर बीरबल टीम का पार्ट हूँ, और बहुत अच्छी वाली फीलिंग है. और मैं सबको कंग्रेचुलेशन विश करना चाहूँगा. बिग मैच एक फैमिली है हमारी, क्योंकि हम घर से ज़्यादा टाइम शूटिंग पे बिताते हैं, तो ये फैमिली है हमारी ट्रायंगल प्रोडक्शन. बिग मैजिक फैमिली कंग्रेचुलेशन विश करना चाहूँगा. बाकी बहुत अच्छा लग रहा है. और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने 500 एपिसोड पूरे कर लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मतलब जब फर्स्ट टाइम आए थे ऐसे शूटिंग करने तो कॉमेडी का कुछ पता नहीं था, लेकिन इतनी अच्छी टीम मिली, इतना अच्छा सपोर्ट मिला, तो हमने 500 एपिसोड पूरे कर लिए. और नहीं, ये बात सच है, क्योंकि कीकू सर से हम सबको बहुत सीखने को मिला. विशाल भाई, कीकू सर, हमारी मतलब पूरी टीम ने हमारी बहुत हेल्प की है. एक स्टार्टिंग के डेज होते हैं जिसको हम कहते हैं कि अब हम पुराना टाइम याद करते हैं तो बड़ा अच्छा वाला फील होता है कि यार हम पहले कैसे आए थे और अभी हमें लोग खुद पहचानते हैं और कहते हैं कि वाह यार यू आर वासु. ये वो मेरा करेक्टर भी ऐसा है कि जैसे इनके लिए सही है शब्द तो मेरे लिए स्क्रीन पर देख रहे थे यार इसने रॉन्ग क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को जो भी करना होता है सब उल्टा ही करना होता है. तो वो सब चीज़ों तक पहुंचना जो था तो इट्स अ टीम वर्क, तो सबकी हेल्प बहुत ज़रूरी थी. बहुत अच्छा लगा सबके साथ, और अभी भी आगे भी हम मिलते रहें बार बार. बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन साहब आप भी आए. मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था इन लोगों जैसा ही, क्योंकि एज ही सेड के वी आर फ्रेंड्स आल्सो बिसाइड बीइंग को एक्टर्स, तो दैट इज एन एडवांटेज फॉर पीपल लाइक अस. अनारकली जी आप भी आए और हमारे साथ साझा करें. मैं लास्ट ईयर आई थी मुंबई, और मैं 500 एपिसोड से तो नहीं हूँ, बट लास्ट ईयर मेरी एंट्री हुई एज अनारकली. और मैं बहुत लकी हूँ. मैं बहुत डर रही थी, जैसे आज भी बहुत डर रही हूँ कि शूट कैसा होगा,
इतने सारे नोन एक्टर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं जो मैं देखा करती थी पहले घर में अकबर बीरबल। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ, कीकू सर है, हमारे बीरबल जी है, तानसेन जी हैं, बलदेव जी, सलीम वासु माय बेस्ट फ्रेंड दरबान, रानी साहिबा, सब इतने सपोर्टिंग हैं। मेरे लिए तो स्कूलिंग है, घर जैसा है। मुझे बहुत गालियाँ पड़ती कि हिंदी बहुत गंदी थी मेरी, कहा कि मैं अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो मैंने इनसे बहुत सीखा एंड आई एम वेरी लकी इस फैमिली की पार्ट हुआ, आज आप लोगों से भी मिलना हुआ सबसे। सो थैंक यू सो मच। वो कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो स्वागत करूंगा बादशाह अकबर के साले साहब बलदेव जी का। बलदेव जी आए और इस शो के बारे में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। अभी तो सब कुछ कह दिया है लोगों ने, कहने के लिए कुछ बाकी तो है नहीं। अब जहां मना कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये लोग बहुत अच्छे एक्टर थे जिनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। तो बिग मैजिक को हम सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमने एकदम बिलीव किया। एक ही लाइन कहना चाहूंगा ऑडियंस के लिए, आपके लिए, ये अकबर बीरबल बिग मैजिक विथ वंडरफुल मैसेज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में हमारे दरबारी साहब आप आए अपने बहुत ही पॉजिटिव माहौल मिला मुझे शुरू से, फ्रॉम द डे वन। बड़ों का गाइडेंस मिला और काम करने का सौभाग्य मिला इन लोगों के साथ। और हर चीज़ पॉजिटिव जब होती है तभी एक लंबा सफ़र तय किया जाता है, और आज हम यहाँ पर हैं। अभी आगे और देखना है कहाँ तक पहुँचते हैं। आपके साइड में हो जाए।